Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Pyaas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Mirado. The question says, Two small identical disks, each of mass m, lie on a smooth horizontal plane. The disks are interconnected by a light, non-deformed spring of length L0 and stiffness chi. At a certain moment, one of the disks... is set in motion in a horizontal direction, perpendicular to the spring, with velocity v naught. Find the maximum elongation of the spring in the process of motion if it is known to be considerably less than unity. तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप जो है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे हो रहा है, है ना और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो स्मूथ है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर दो-दो डिस्क्स हैं, है ना m और m मास के ठीक है और यहाँ पर जो स्प्रिंग लगी हुई है इनके बीच में तो उसके स्टिफनेस को काई से यहाँ पर शो करा गया है हम लोग इसको के बोल देते हैं कन्वीनियंस के लिए क्लियर है ये बात अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे को क्या दिया हुआ है कि जो स्प्रिंग है उसकी नेचुरल लेंथ कितनी है वो एल नॉट है ठीक है और यहाँ पर जो है जो दूसरा वाला डिस्क है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको कितनी स्पीड दी गई वी नॉट स्पीड दी गई और ये जो वी नॉट जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन क्या है परपेंडिकुलर टू द स्प्रिंग जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ठीक है तो अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है 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 ना इसका जो representative है, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव सेंटर ऑफ मास तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग पर निकाल सकते हैं ना तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑफ सेंटर मास क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा एम वी नॉट अपॉन यहां पर क्या लिख दें एम प्लस एम लिख सकते हैं तो ये कितना आ गया ये आ गया वी नॉट अपॉन टू आ गया अब देखिए बच्चों यहां पर जो हम लोग सेंटर ऑफ मास देख पा रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट स्पीड से हम लोग देख पा रहे हैं ना कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है वो हमेशा ट्रैवल कर रहा है ठीक है क्योंकि और तो कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स यहां पर एक्ट नहीं कर रहा है जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज करेगा तो यहां पर अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के नजरिए से अगर आगे की बात करें तो कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो कैसा फ्रेम हो गया सेंटर ऑफ मास एक इनर्शियल फ्रेम हो गया ठीक है अब देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो क्या होता है तो वो होता है बेसिकली हाफ म्यू वी रिलेटिव का क्लियर है ये बात यहां पर बच्चों आपको याद होगा कि म्यू क्या होता है म्यू को कहते हैं हम लोग रिड्यूसड मास मतलब कि एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू हो जाता है जिसकी वैल्यू इस केस में कितनी आ जाएगी तो आप देख सकते हैं एम इन टू एम अपॉन एम प्लस एम ठीक है तो ये देखिए आ जा रही है एम अपॉन टू के बराबर क्लियर है इसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि इनिशियली जो ऊपर वाला डिस्क है 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 ना इस डायग्राम के हिसाब से जो ऊपर वाला डिस्क है, वो रुका हुआ है और जो नीचे वाला डिस्क है उसकी वेलोसिटी कितनी हो वी हो गई गई नॉट तो यहां पर हम लोग वी रिलेटिव की कि वैल्यू कितनी लिख सकते हैं ये हो जाएगा वी नॉट के बराबर ठीक है तो देखिए बच्चों इस तरीके से हम लोग इस सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये कितना कह सकते हैं हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि म्यू कितना आ रहा था वो आ रहा था एम बाई टू और वी रिलेटिव हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना था शुरुआत में वी नॉट था तो ये आ जाएगा हाफ एम बाई टू वी नॉट का स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो कितना आ जा रहा है तो ये आ जा रहा है वन बाय फोर एम वी नॉट का स्क्वायर ठीक है अब देखिए बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास तो जो है है ना वो सिर्फ राइट right की तरफ जाता रहेगा हमेशा और वो भी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से तो जैसा मैंने कहा था कि एक इनर्शियल फ्रेम है तो हम लोग एक काम कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का पता लगाने की कोशिश करते हैं क्लियर है बात तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर सेंटर ऑफ मास के नजरिए में हमारे को चाहिए तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के नजरिए से है ना सेंटर ऑफ मास के नजरिए से अगर हम लोग स्पीड निकाले ठीक है तो क्या क्या स्पीड आएगी इन दोनों डिस्क की आइए देखते हैं तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड वी नॉट बाई टू है राइट की तरफ तो अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखना है तो उसे रोकना होगा तो उसे पीछे की तरफ वी नॉट बाई टू देना होगा तो यही काम हमें ऊपर वाले के साथ भी करना होगा उसको भी वी नॉट बाय टू पीछे देना होगा और जो नीचे वाली डिस्क है इसको भी वी नॉट बाय टू पीछे देना होगा क्लियर रही बात लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि जो नीचे वाली डिस्क है उसके पास ऑलरेडी आगे की तरफ v नॉट वेलोसिटी थी ठीक है तो हम लोग फाइनली क्या देख पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास के नजरिए से, है ना सेंटर के से क्या लग रहा है? सेंटर और जो नीचे वाला डिस्क है उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ v नॉट बाई टू है और सेंटर ऑफ है है, है फ्रेम से देख रहे हैं मतलब वो रुका हुआ फील हो रहा है ठीक है तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि पूरे सिस्टम का एक एंगुलर मोमेंटम जिसका सेंस कैसा है एंटी क्लॉकवाइज इस पर पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ तो अगर मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो वो मैं कितना लिख दूंगा तो देखिए मास तो दोनों का एम है तो हम लोग यहाँ पर अगर एक के एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो हो जाएगा एम वी नॉट बाई टू मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है तो वो एल बाई टू है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग ये एल नॉट बाई टू होगा ना तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे एल नॉट बाई टू ये तो एक का एंगुलर मोमेंटम आया दूसरे का भी इसी तरीके का है तो सिंपली मल्टीप्लाइड बाय टू कर देते हैं ठीक है तो अब देखिए बच्चों हम लोग बात करते हैं उस इंस्टेंट की जब मैक्सिमम इलांगेशन हो रहा है ठीक है तो सबसे पहले हमारे को ध्यान है कि सवाल में हम लोगों ने क्या देखा था सवाल में हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो दोनों डिस्क है, है ना सेंटर ऑफ मास के नजरिए में ये क्या कर रही थी तो हम लोगों ने देखा था कि ऊपर वाला जो डिस्क है वो लेफ्ट की तरफ वी नॉट बाय टू से जाता हुआ नजर आ रहा था और जो ये नीचे वाला डिस्क है ये राइट की तरफ v नॉट बाई टू से जाता हुआ नजर आ रहा था सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास के नजरिए में दोनों डिस्क का जो मोशन है वो काफी एक जैसा लग रहा है काफी सिमिट्रिकल मोशन यहां पर नजर आ रहा है ठीक है तो बच्चों अब अगर हम लोग मैक्सिम के, के केस की बात करें तो उस समय हम लोग ये कह सकते हैं कि लेटर से ओरिएंटेशन पूरे सिस्टम का ऐसा हो गया ठीक है अब मैक्सिमम इलांगेशन केस में क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये दोनों जो एम है, है ना ये दोनों जो डिस्क हैं ये दोनों एक दूसरे से जितना मैक्सिमम दूर जा सकते थे अब जा चुके हैं क्लियर है, है ये बात मतलब अब और इनके पास इस तरीके की सेपरेट होने वाली वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी ठीक है लेकिन एक और चीज का हमें ध्यान देना है कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम लोग देखें तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम तो था एंटी क्लॉकवाइज सेंस का था तो इस मोमेंट पर भी है ना ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दोनों जो डिस्क हैं वो रुक जाए हां इनके पास इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है ये तो हम लोग कह सकते हैं ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इनकी कोई वेलोसिटी होगी नहीं इनके पास वेलोसिटी होगी पर ये ऐसी वेलोसिटी होगी जिससे ये लोग एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हो ठीक है और ये भी हमें मेक मेकश्योर sure करना है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो अभी भी इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा हो तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी है कि इनके पास इस तरीके की है ना हम लोग समझ पा रहे हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी होनी चाहिए ठीक है इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने देखा था कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है मोशन बिल्कुल सिमेट्रिक हो रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ऊपर वाले डिस्क की स्पीड जो है वी हो गई तो नीचे वाली डिस्क की स्पीड भी जो है वो वी ही लिखेंगे हम लोग इस मोमेंट पर जब इलोंगेशन क्या हो चुका है मैक्सिमम हो चुका है क्लियर है ये बात इसके अलावा बच्चों एक और बात हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि अब अगर मैंने ओवरऑल इलोंगेशन है ना स्प्रिंग में कितना मान लिया एक्स का मान लिया तो हम लोग यहां पर ये यह देख पा रहे हैं कि ओवरऑल लेंथ जो है कितनी हो गई स्प्रिंग की एल नॉट प्लस एक्स हो गई तो सेंटर ऑफ मास से किसी भी एक डिस्क की दूरी कितनी हो जाएगी तो वो हो जाएगी एल नॉट प्लस एक्स का आधा क्योंकि सिमेट्रिक मोशन हो रहा है ठीक है तो बच्चों इस मोमेंट पर जो है हम लोग फाइनल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कितना कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है ना जो भी बात कर रहे हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो देखिए बच्चों इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी चूंकि दो बॉल्स है तो ट्वाइस पहले ही कर देते हैं ट्वाइस ऑफ अब एक बॉल का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है ना तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एम है अब देखिए बच्चों ये हमारे को समझ में आ रहा है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हैज टू टू बी इक्वल तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो इन दोनों क्वांटिटीज को हम लोग क्या कर देंगे बराबर कर देंगे ठीक है तो देखिए बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या आ गया एम वी नॉट एल नॉट अपॉन टू इज इक्वल टू एम इन वी इन एल नॉट प्लस एक्स है ना ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया तो यहां से देखिए एम से एम कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है और फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं वी नॉट एल नॉट अपॉन टू इज इक्वल टू वी एल नॉट प्लस वी एक्स के बराबर क्लियर है बात तो यहां से देखिए हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो v की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट एल नॉट अपॉन इस ऑफ एल नॉट प्लस एक्स के बराबर इसको बच्चों अगर फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये क्या बन जाएगा वी नॉट होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एल नॉट है ना मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही क्या कर दिया एल नॉट से डिवाइड कर दिया ठीक है अब देखिए बच्चों एक और चीज हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो x है है ना वो बेसिकली सवाल में एक तरीके से दिया हुआ है कि वो बहुत छोटा है एस कंपेयर टू एल नॉट ठीक है तो यहां पर हम लोग बाइनोमियल लगा सकते हैं तो यहां से v जो है वो किसके बराबर आ जाएगा इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू v नॉट अपॉन टू अब यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 1 प्लस की पावर वन है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं v नॉट अपॉन टू वन प्लस एक्स अपॉन एल नॉट टू दावर दा माइनस वन तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन एल नॉट के बराबर ठीक है अब देखिए बच्चों हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग इनिशियल एनर्जी है ना इनिशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को किसके बराबर कर सकते हैं फाइनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के क्लियर है तो इनिशियली हमारे को दिख रहा था कि जो एनर्जी थी वो सिर्फ किस फॉर्म में थी काइनेटिक एनर्जी में थी और याद है होगा आपको हम लोगों ने निकाला था वो हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर करके तो वो कितना आ गया था हाफ एम बाई टू मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट के स्क्वायर के बराबर क्लियर है ये बात अब इसको हम किसके बराबर कर देंगे फिर से हमारे को हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर करना होगा तो हाफ म्यू की वैल्यू एम बाई टू और इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है इस बार हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि इसकी वेलोसिटी वी और इसकी वेलोसिटी वी तो रिलेटिव वेलोसिटी आप समझ पा रहे हैं कि कितनी हो गई टू वी के बराबर हो गई ठीक है तो बच्चों अगर हम लोग वी रिलेटिव देखें तो वो टू वी हो जाएगा तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर हम लोग लिख देंगे वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस एक्स अपॉन एल नॉट ये बेसिकली वी रिलेटिव हो गया अब इसका स्क्वायर करना है पर इस बार जो है एक और एनर्जी यहां पर उपलब्ध है और वो कौन सी है वो है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्लियर यही बात और वो कितनी हो जाएगी हाफ के एक्स का स्क्वायर क्योंकि टोटल इलांगेशन जो है स्प्रिंग में वो कितने का आया एक्स का आया ठीक है अब चलिए बच्चों इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं पहले तो एक टू जो है वो हर जगह से कैंसिल आउट हो रहा है अब देखिए हाफ एम वी नॉट मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या आ जाएगा वन फिर इधर है ना ये वाला टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड में चला जाए अगर तो ये क्या बन जाएगा तो ये बन जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर और साथ में क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन एल नॉट की पावर टू क्लियर है ये बात और ये किसके बराबर आ गया तो ये बराबर आ गया के एक्स के ठीक है अब देखिए बच्चों यहां पर फिर से हम लोग बाइनोमियल लगा सकते हैं ना तो ये जो वन माइनस एक्स अपॉन एल नॉट की पावर टू है है ना ये वाला टर्म जो है ये बेसिकली क्या लिखा जा सकता है आइए देखते हैं पहले तो मैं बाकी चीजों को लिख देता हूं हाफ एम बी नॉट स्क्वायर फिर यहां पर वन आ गया माइनस अब ये वाला जो टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूं वन माइनस टू एक्स अपॉन एल नॉट है ना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा करके ठीक है और ये किसके बराबर आ गया के एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया ठीक है ना तो अब देखिए बच्चों और सिंप्लीफाई किया जा सकता है यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं वन माइनस वन ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है तो हाफ एम वी नॉट का स्कोर मल्टीप्लाइड टू देखिए क्या आ गया के एक्स स्क्वायर आ गया एक एक्स देखिए यहां पर कैंसिल आउट हो रहा है इसके अलावा देखिए बच्चों टू से टू भी कैंसिल आउट हो गया तो एक्स हमारे पास स्ट्रेट अवे कितना आ जा रहा है तो ये आ जा रहा है एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन के एल नॉट के बराबर ठीक है तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ठीक है तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय